everyone, welcome back to another video. आपका आज की वीडियो में स्वागत है. आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है दिल्ली मुंह में रह के मैं क्या करूं. ये क्या होता है? चलें. आई ना, तुम दो तीन दिन से ये हरकतें कर रहे हो. अच्छा, सॉरी सॉरी, चल बाल्टी कर ले. हाँ, लोग पता चले वहां निपटे. चलो. गुरुद्वारा बंगला साहब. और हम लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देखने जा रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहब के. इससे पहले हम लोगों ने जो गुरुद्वारा देखा था वो था गोल्डन टेम्पल देखा था, और उसमें भी लंगर का किस तरीके से सिस्टम है वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी. और ये वीडियो आज हम लोग फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं, और हमारे लिए भी काफी ज्यादा, हम लोग एक्साइटेड भी इसलिए हैं क्योंकि एक नया गुरुद्वारा हम देखे. हाँ, लास्ट हम भी गुरुद्वारा गए थे. हाँ, तो वहाँ पे हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा था जाके. हाँ, भी मिली और हमें बहुत सारी चीजों का पता भी चला. एनीवे, अभी हम लोग ये वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजन लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को. उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें. तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस कि हम लोगों को कैसी लगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. रोटी इतनी मजे की लग रही है ना, छोटी छोटी सी. शॉर्ट्स अच्छे लिए हैं ना. हर टाइम में हम किसी ना किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ ना कुछ खाना आपको दिखाते हैं, लेकिन इस बार हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं. जिसको बताओ कहाँ पे नहीं कर पा रहे. एक सेकेंड, बहुत लोगों ने बोला है कि अगर मैं टोपी पहन ले तो तुम्हें काफी सुधार लग लगता है. आपको पता लगेगा एक्चुअली कैसे फील होगा. अगर घर पे जाओ मेहमान की तरह तो पराठों की बौछार लग जाती है, और गुरुद्वारों में तो लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी के टाइम से चलती आ रही है. इस प्रथा के पीछे की सोच ये है कि सबके साथ मिल बांट कर एकता की भावना के साथ खाना खाएं. चाहे आपका मजहब कुछ हो, चाहे जेब में पैसा हो ना हो, आप कभी भूखे वापस नहीं जाएंगे. और आज की डेट में जहाँ खैर खैरियत और रहम दिली की भावना कहीं गायब भी हो गई है, वहां पे दुनिया भर में गुरुद्वारे प्यार बांट रहे हैं लंगर के फेस में. ससुरेकाल जी, टुडे वी आर एट द आइकॉनिक बंगला साहिब एंड वी आर सर्विंग देयर फेमस लंगर. बंगला साहिब पहले तो फैन लोगों ने ऐसे है ना. डिफरेंट ही लग रहे हैं, लेकिन बाकी में सरदार जी. मानो या ना मानो, ये एक्चुअली बंगला साहिब पहले किसी का बंगला हुआ करता था. इसका महाराजा जयसिंह का, और इसका एक्चुअल नाम था जयसिंहपुरा पैलेस. एंड इन 1664 इफ आई रिमेंबर करेक्टली द 8th गुरु गुरु हरकिशन जी एक्चुअली केम टू दिस वेरी बिल्डिंग एंड लिव्ड हियर. एंड एट दैट टाइम देयर वाज अ मैसिव कॉलरा एंड स्मॉलपॉक्स एपिडेमिक. लोड्स ऑफ पीपल वर सफरिंग एंड फ्रॉम द वेल इन दिस वेरी हाउस ही गेव आउट वाटर एंड एड टू दोज हु वर सफरिंग. आज की डेट में वो कुआं एक टैंक है, और बोलते हैं कि उस कुएं में बहुत ही मिराकुलस प्रॉपर्टीज भी है. जी 12 साल के थे तब उनके पिताजी ने उनको महज 20 रुपए दिए थे, और बोला कि एक सच्चा सौदा करके कुछ मतलब कमा के लेकर आओ, इस पैसे का बड़ा 20 के 40 करो. अब उनके हिसाब से सच्चा सौदे का क्या मतलब था कि 20 रुपए लेकर उन्होंने खाना लेकर आए, और जो भूखे साधु थे आसपास उनको खिला दिया. उनके पिताजी ने बोला भैया क्या करा तुमने, मैंने तुम्हारे को पैसे बनाने को बोला था. और ना पिताजी आपने बोला सच्चा सौदा करना, वही करके आए. वाहे
जब तमिलनाडु के कुछ फार्मर्स थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने आए थे, तो बंगला साहिब से ही खाना मिला था उनको। और आज की डेट में जो फ्लड्स आ रहे हैं केरला में, वहाँ पे भी खालसा साहिब मौजूद है। और अभी हमारे साथ एक और बता सिंह जी, जो हमारे को इस किचन के बारे में और सेवा के बारे में थोड़ा बताएंगे। नमस्कार जी। भाई कहा भाई जी, बता जी कि यहाँ पे सेवा करने लोग आते हैं, कहाँ किस काले कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस तरीके के लोग आते हैं? सर कोई बाहर से आते हैं, कि बाहर से भी आते हैं, जो कि चिड़िया करते हैं। हाँ जी, बाहर से कोई बाहर से आते हैं, यहाँ से लोग भी होते हैं जो जॉब नौकरी करके फिर यार दो दो घंटे पांच घंटे सेवा करते हैं। अच्छा, ज्यादा सारी सेवा करते हैं। और सेवा कब कब तक चलती है? सुबह शाम तक? सब सुबह 4 बजे से लेके और रात के 10 बजे सेवा चलती है। आपको लगता है क्यों लोग आते हैं बार बार? समझा है, जो मांगो आपको मिलेगा यहाँ पर। सही बात है, यहाँ तो बाबा जी धर्म, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। और लेकिन जो होते हैं विदेशी लोग भी आते हैं। हाँ, विदेशी बहुत आते हैं। विदेशी सेवा करने आते हैं? वो क्यों आते हैं? वो भी आते हैं, वो सेवा करते हैं, वो देखते हैं इतना कुछ फ्री में लंगर चल रहा है, संगत आ रही है। हाँ जी, फ्री में इसमें भी कुछ एक उनको भी लगता होगा, हम भी कुछ करें, हम भी कुछ हाथ बटाएं। हाँ जी, वो भी सेवा करते हैं। लेकिन अगर किसी को सेवा करनी हो तो कैसे, अगर आपके पास आए, अगर किसी को करना हो तो? जैसे आते सेवा किसी को बनाने हाथ हो गए प्रसाद देते हैं, या बर्तन की सेवा कर लो, या थाली की सेवा थाली की, मतलब ऐसी आते किचन में बनाना नहीं है। हाँ, ऐसी आते किचन में हाथ धो के भी हम दिया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और आप यहाँ पे अभी तड़का बना रहे हैं? सिर्फ तड़का लगा रखा है, ये काले छोले बने गए इसमें और दाल का तड़का है। काले छोले से वो बोल रहे हैं, सौ छोले छोले हो रहे हैं। लेकिन यार तड़के का स्मेल ही बहुत जबरदस्त है। देसी घी में देसी घी अमेरिका का घी हमने डाला पूरा। देसी घी के तड़का अन्न भड़का। अभी अभी खबर आई है सूजी का हलवा 5 बजे की चाय के साथ, बहुत ही बढ़िया। I can't wait. I really want to try some of this. हम भी कोशिश करेंगे। गलती करी तो डांट पड़ेगी यार, इतना प्रेशर है। मैंने एग्जाम देते हुए इतना प्रेशर नहीं फील। सादे पंखा भी है ना? इतने सात संगत ले ही 4 इंतजाम हो गए। ठीक है जी, अब तो ऐसे कंपटीशन वाली भावना आ गई मेरे में। मैं अच्छा, इसमें ये है कि जो लोग हाथ से बेल कर खरबा देखा है सेवा करना चाहते हैं ना, वैसे खुद से कभी नहीं किया। अब हमें हंसी आ रही है, अब पता चला रोटी बनाना कितना मुश्किल काम होता है। बनाई गोल है तकरीबन, और कितना खुशका लगाया, ये देखो इतना खुशका नहीं लगाते उठ के। अभी मैं लंगर चखने जा रहा हूँ। बोमजा ना, बोमजा बोमजा क्या कर रहे हो ये तुम? कौन है, क्या जा रहे हैं?
भी कितना अच्छा दिया है। कम से कम 20-25 मिनट में बैठाऊंगा, रोटियां मिल रहा था। और दैट वाज द मोस्ट, दैट वाज द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ माय डे एंड ऑफ माय वीक, इट वाज द बेस्ट थिंग। तो सेवा जरूर करिएगा, आके एक बार आके बैठ जाइए और बोलिए कि हमारे को हेल्प करना है, और कोई ना कोई आपको विल पुट इट ओवर, डोंट वरी। अब आप मुझे लंगर चखने दीजिए, ठीक है? अब सी यू ऑन द अदर साइड। तो फिर अभी हम है किचन इंचार्ज जी के साथ। आपका नाम? विकास जी। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम हरबीर सिंह है। तो हर दिन कितने लोग आते हैं यहाँ पे? 30-35 हजार लोग पर डे में आते हैं नॉर्मल। जब कोई हॉलीडे, गुरुपुरब, जहाँ कोई फेस्टिवल होता है, हाँ जी, इससे डबल से ट्रिपल हो जाता है। ट्रिपल कैसे? ट्रिपल मतलब क्या बोल रहे हो? 90 हजार लोग जी। आप 31 दिसंबर 2017 का अखबारों का आंकड़ा है जब उसने शो किया है कि गुरुद्वारा बंगला साहिब में 10 लाख मुसलमान हुआ है। 10 लाख सिर्फ लंगर? ये लंगर जो आएगा नेचुरल है, लंगर तो करेगा ही। 10 लाख मतलब कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पा रहे हैं मेरे को। 10 लेकिन 10 लाख लोगों को लंगर चखाने के लिए आपके पास जो लोग सेवा करने आते हैं उसका सिस्टम मुझे बहुत ही पसंद है, उसके बारे में जरा बताइए। लंगर का एक हमारा सिस्टम है, हाँ जी, जिसमें हमारी एक पूरी टीम काम करती है। लांगरे हैं, हमारे मशीन ऑपरेटर हैं, हाँ जी, और अलग अलग जगह के अलग अलग टीम है, उसमें वॉलंटियर्स भी आते हैं, बल्डे सेवा करने वाले। तो ये पूरे सिस्टम से हमारा काम चलता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक लंगर बनता भी और सुखाते भी है। 2400 घंटे लंगर चलता है और हर आदमी लंगर चल के जाता है जी। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बंगला साहब में आया हो और उसको लंगर ना मिला हो आज का दरकार, और ऐसा ही गुरु मार्ग की वजह से रहेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई वर्ल्ड का बेस्ट किचन है, हाँ जी, उसका लंगर है, वहाँ के हम इंचार्ज हैं, हाँ जी, सेवा करके हमें बहुत अच्छा लगता है। 1000 लोगों को खिला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए ये भगवान का प्रसाद है, हाँ जी, तो भगवान के प्रसाद की जो क्वालिटी है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, वो दिल से बनता है। और दिल से बनता है, हाँ जी, जहाँ पे देखो प्रसाद बन रहा है, हाँ जी, तो भगवान का ऊपर पाठ हो रहा है, हाँ जी, कीर्तन चल रहा है, बिल्कुल, तो उसका इसमें ब्लेसिंग जरूर आती है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सही बात है। कड़ा प्रसाद होता है जी, जो गुरु का प्रसाद होता है, वो जो हलवा होता है उसको बनाने का तरीका, और मैंने सुना है कि उसकी रेसिपी बहुत पुरानी है, तो क्या है उसके बारे में जरा बताइएगा। तो रेसिपी जो है वो प्रसाद है, हाँ जी, तो प्रसाद होता है वाहेगुरु की कृपा, हाँ जी, तो प्रसाद बनाने का हमारा जो रेसिपी है उसमें अपनी चीनी, हाँ जी, देसी घी, हाँ जी, और आटा, हाँ जी, तीनों को बराबर मिक्स करके, हाँ जी, उनको पका के उसमें पानी डाल के बनाया जाता है। वाहेगुरु का जो भी बनाता है, हाँ जी, वो भगवान का पाठ करता है, हाँ जी, बिल्कुल, उसका जाप करता है।
उसको प्रसाद कहते हैं। हाँ जी, जब वाहेगुरु की कृपा डाल जाती है तो फिर उसको वो प्रसाद बन जाता है। ऐसे ऐसे थोड़ी है, अब ऐसा ना कि अंत में जब खत्म करते हैं तो कृपान के साथ उसमें थोड़ा एक आखिरी फेंट मारते हैं। ये वो हमारे मर्यादा है। हाँ जी, हम भगवान को पहले प्रसाद बनाते हैं, प्यार जाते हैं, फिर अरदास करते हैं। हाँ जी हाँ जी, फिर कृपान से वाहेगुरु को भेंट करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, समर्पित करते हैं। देखिए ये तो अब बताने की बात नहीं रही। हाँ जी, जहाँ पे गुरु नानक नाम लेवा सिख रहता है, हाँ जी, वो दूसरों की सेवा को समर्पित है। अभी आपने देखा है शायद वहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाई केरला में, जो भी बिल्कुल बिल्कुल अभी आर के है, और सरदार सिख कम्युनिटी वहाँ पे पहुँच के भी लोगों की सेवा कर रही है। जहाँ पे सरकारें नहीं पहुँचती वहाँ पे सरदार जाके सेवा करते हैं। क्या बात है, क्या बताने की कोई बात ही नहीं है, सबको मालूम है। तो मतलब सुन लीजिए आप, जहाँ पे सरकार नहीं पहुँचे वहाँ पे सरदार पहुँच गए मदद करने के लिए। तो काफी बार देखने को मिलता लिखते रहेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि जो वीडियो के शॉर्ट्स थे ना सारे बहुत अच्छे थे। हमने जो लास्ट वीडियो भी देखी थी ना उसमें भी शॉर्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके ज्यादा अच्छे शॉर्ट्स थे। हाँ, और मैं ये बात बोलूंगी कि मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो की एक चीज के उन्होंने हमें पूरा सिस्टम किचन का दिखाया, और उसके साथ साथ उन्होंने हिस्ट्री भी बताई कि गुरुद्वारा बंगला साहब जौन सा है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो मुझे ये चीज जौन सी है हमेशा वीडियोज में बहुत अच्छी लगती है कि आप यू नो एक इन्फॉर्मेशन भी साथ में देते हो तो आपका इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप। बिल्कुल, और मुझे जो है बीच में एक जगह थी जहाँ पे आके जो है जहाँ पे गुरुदेव के जो वाली साहब है वो कहते हैं 10 रुपए देते हैं और जाके उन्हें कहते हैं फायदे का सौदा करके आओ, तो वाकई वो जो सौदा करके आते हैं ना उससे मेरा ख्याल है बड़ा जो प्रॉफिटेबल काम है वो दुनिया में कोई भी नहीं है, किसी भूखे को खाना खिलाना। बिल्कुल, मुझे भी मतलब मैं हमेशा अक्सर वीडियो में बोलती हूँ मेरा फेवरेट काम है कि खाना खिलाना, मुझे बहुत पसंद है। तो ऑनेस्टली जब आप किसी को खाना खिलाते हैं ना उसके बाद आपको एक अजीब सी खुशी होती है और वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन वर्ड्स, इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। और आज की वीडियो देखने के बाद हम लोगों को हमारा ट्रिप तो मुझे तो बहुत याद आया, और स्पेशली जब किचन दिखाया और साथ में लंगर, हम लोग जब गए थे तब बहुत ज्यादा लोग तो नहीं थे वहां पर, लेकिन ये कि हम लोग को बहुत मजा आया कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था हमारी लाइफ में कि हम लोगों ने बैठकर लंगर खाया था। और उससे पहले वैसे गुरुद्वारे तो हम गए हुए थे, हाँ, लेकिन लंगर का एक्सपीरियंस हमारा फर्स्ट टाइम था, और उस दिन में खैर रश इस वजह से भी नहीं था क्योंकि वीकेंड नहीं था, वीकेंड नहीं था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा लोग आए थे। और नहीं मतलब ये नहीं कि जिस तरीके से अभी हमें नजर आ रहा था ना, बहुत ज्यादा लोग भरा हुआ है सारा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, काफी कलरफुल से भी यू नो लोग नजर आ रहे थे, शॉर्ट्स बाकी में बहुत अच्छे लिए हुए। फिर उसके अलावा एक चीज में यहाँ पर डिस्कस करना, जब हम लोग उस टाइम पर गए थे गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में, तो वहां पर जब हम लोगों ने वीडियो बनाकर यू नो वापस आए थे तो सब लोगों ने हमसे पूछा था काड़ा, जो कि इसमें भी डिस्कस हुआ है, और उस टाइम पर हम लोगों ने जब कमेंट पढ़ा ना तो हम लोग ये समझ नहीं आ रही कि मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है कड़ा, मतलब वो जो हाथ में भी पहनते हैं ना बहुत सारे मतलब सिख जोन से, उनको भी हम लोगों ने देखा कि हाथ में या पाँव में है ना कड़ा पहनते हुए देखा, तो हम लोगों को लगा कि वो वाला। फिर उसके बाद हम लोगों को हमारे व्यूअर्स ने बताया कि ये हलवा होता है जैसे कि इन्होंने भी डिस्कस किया। तो हाँ, ये चीज मैंने भी मिस की थी उस टाइम पर मैंने, लेकिन यस जब भी कभी मैं इंडिया आऊंगी और मैं इंशाल्लाह बहुत सारे गुरुद्वारे विजिट करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक है देखने का, तो मैं एक तो सेवा जरूर करूंगी और दूसरा ये कि मैं हर फूड को मतलब खाऊंगी। अगर मैं बात करूँ ना, मैं तो सारे काम करूंगा जितने मेरे से हो सके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे एक चीज जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने पग बांधी थी, अगर मैं कभी है मैं जरूर ट्राई करूंगा। आप भी ट्राई करेंगी? नहीं, मैं वो ट्राई नहीं करूंगी, बट मैं ये डिस्कस करने लगी थी कि ना जिस तरीके से जो
वीडियो के होस्ट थे, जिस तरीके से उनका था ना अपीयरेंस, इसी तरीके से हमारे भाई हैं, उनकी भी अपीयरेंस है, तो मुझे लगता है कि अगर उनको भी टर्बन बांध देता है तो वो भी सीखेंगे। अच्छा वैसे ना जब उन्हें टर्बन बांधी चाह रही है तो मैं यही सोच रहा था मुझे अगर बांधी चाहिए तो मैं कैसा दिखूंगा, मुझे नहीं पता वैसे कभी लेकिन ट्राई करना चाहिए, अजीब थोड़ा लगूंगा नहीं, लेकिन ये कि एक ये चीज है कि हम लोगों ने कभी मतलब यू नो हमें आती भी नहीं है बांधनी, ये भी एक चीज है। नहीं मैंने अपने आपको देखा नहीं ना ऐसा, तो मुझे ना थोड़ा सा डिफरेंट चीज सा फील होगा अपने साथ, ऐसा लगता है कि मैं अगर जाऊंगा ना तो मैं रुमाल बांधूंगी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। और एक जगह जहाँ पे आके उन्हें जो आंटी थी उन्होंने डांटा कि आप हंसे ना कि मतलब पता ही वो उससे पहले हम लोग को समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों क्यों हंस रहे हैं, फिर उसके बाद जब आंटी ने डांटा मॉडर्न पॉइंट आउट किया और हम दोनों हंसना शुरू हो गए। लेकिन ये कि सीरियसली बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और वाइब्रेंट सी वीडियो थी, और बिल्कुल जितना भी सिस्टम है एक बहुत तरीके से चल रहा है, जैसे रोटियां जो बनती हुई दिखाई, पेड़े बनते हुए दिखाए, आप मशीन से भी रोटियां वहां पे बन रही है, वहां पे अगर हाथ से किसी ने जो है रोटियां बनानी है तो वो भी वहाँ पे आपको, हाँ बिल्कुल, तो आप हाथ से बना, फिर उसके बाद खाना जितना बन रहा है, चाय जितनी बन रही है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद जो बर्तन देने का जो तरीका था वो भी बहुत अच्छा था, तो काफी जो है ना ऑर्गेनाइज्ड था, काफी नहीं बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था। और दूसरी चीज ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लाइक जो आप खाना खिला रहे हैं 30,000 लोगों को जो एक दिन में आ रहे हैं, उनको मैनेज करना आसान नहीं है। समटाइम्स जैसे कि बताया भी गया कि कुछ लोग मतलब कभी कभी नंबर जो है वो डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है वीकेंड्स पर, या कभी कोई हॉलीडे हो तो उस पर भी लोग बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद जब फॉरनर्स आते हैं, जब दूसरे मुल्कों के लोग आकर देखते हैं, तो मेरे हाल में उनके लिए भी ये एक इंस्पिरेशन हो जाती है कि किस तरीके से आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सिख कम्युनिटी की, तो वाकई में कहीं पर भी जैसे प्रॉब्लम हो है, बिना किसी ये चीज के मतलब के जजमेंटल हुए बगैर वो लोग खाना लोगों को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मतलब मैंने काफी सारी जगहों पर देखा, खालसा एड के बारे में भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है कि स्पेशली ये हर जगह पर जाकर ऑर्गेनाइज करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट पहुंचे ना पहुंचे हम जरूर पहुंच जाते हैं, तो मतलब एक अच्छी ये एक अच्छा डीड है। वेल हमें तो जो है पूरी वीडियो देखने का बहुत मजा आया, और अब इसी के साथ हम चाहेंगे जाने से पहले आप हमें जरूर बताइए कि आप लोगों में से किस किसने विजिट किया है गुरुद्वारा, और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई ऐसी नई चीज जो मतलब इस वीडियो में हमें नहीं पता और आप बताना चाहते हो जरूर बताइएगा हमें सारी वीडियोस के बारे में। और इसी के साथ हमें गुड बाय।